हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज के हमारे सेशन में हमारे साथ हैं मिस पल्लवी। पल्लवी हेल्स फ्रॉम राजस्थान एंड वेरी रिसेंटली शी हैज क्लियर राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज कैडर 2021। सो पल्लवी, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। हम लोग की जो ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, उन लोगों के मन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज इज वन ऑफ द टफेस्ट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसको कैसे क्रैक किया जाए, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। अगर हम कॉलेज में हैं तो हम अपने एकेडमिक्स के साथ किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन के साथ कोप अप करें, तो आज हम इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो, आप कहाँ से हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, आप किस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है। चलिए। हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी एंड आई हैव रिसेंटली बीन सेलेक्टेड एज आरजेएस इन 2000 सिविल जज कैडर 2021। आई एम बेसिकली फ्रॉम भादरा, राजस्थान एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन 2020 इन बीबीए एलएलबी फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा। एंड आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई गॉट इनटू द जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सिंस पहली चीज आपका ये पहला अटेम्प्ट था और पहली अटेम्प्ट में इतनी बड़ी सफलता आपके हाथ लगी है, ऑल दो ये आपकी प्रिपरेशन आपकी मेहनत का ही नतीजा है, लेकिन आप ये बताइए हमको कि लॉ ही क्यों, कब आपने डिसाइड किया कि आपको लॉ परस्यू करना है। ओके, सो दिस हैज अ लॉट टू डू विद माई फैमिली बैकग्राउंड। माई ग्रैंड फादर इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, माई फादर इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, सो आई हैव ग्रोन अराउंड सीन बुक्स ऑल द टाइम। तो क्लास 7th 8th के अराउंड में मैंने फर्स्ट टाइम कोर्ट विजिट किया था। तो उसके बाद में मुझे काफी पैशन डेवलप हुआ टू गेट इन टू जुडिशरी एंड आई एसोसिएट द चेयर विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। सो दैट इज वन रीजन दैट मोटिवेटेड मी टू गो फॉर द प्रोफेशन। नाइस। तो आपने जब कॉलेज में अपनी प्रिपरेशन करी, या आपने कॉलेज में स्टार्ट की पहले अपनी प्रिपरेशन, या फिर ग्रेजुएट होने के बाद आपने स्टार्ट किया? थर्ड ईयर के बाद से, सिंस आई हैड डिसाइडेड कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है, सो आई वाज फॉलोइंग रेगुलर जजमेंट्स एंड आई वाज स्टडिंग अ लिटिल बिट बाय माय सेल्फ। लेकिन जो फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन होती है जिसमें हम स्ट्रिक्टली वी कन्फाइन आवर सेल्फ टू द टेबल चेयर एंड इग्नोर एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, वो मैंने प्रॉपरली ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था। आफ्टर माई ग्रेजुएशन इन 2020 मार्च, आई स्टार्टेड फ्रॉम जून 2020। तो हम लोग ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी कॉलेज में हैं, 5 ईयर LLB कोर्स में है या फिर 3 ईयर LLB कोर्स में है, उन लोग के मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि सर अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अकेडमिक्स के साथ कैसे कोप अप करें। तो आप प्लीज उनको बताइए कि किस तरीके से आपने अपने अकेडमिक्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा। ओके, सो सिंस आई वाज इन एनएलयू, वहाँ पे काफी सारी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। देर आर लॉट ऑफ सोसाइटीज, देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल मूव्स एंड एवरीथिंग। सो मैंने अपने थर्ड ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे जुडिशरी में जाना है, तो मैंने उन एक्टिविटीज को थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स कम कर दिया था बिकॉज आई न्यू दैट जुडिशरी इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आई हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, आई हैव टू लर्न बेयर एक्ट्स, तो वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लॉन्ग रन में जितना पहले प्रिपेयर हम कर लेते हैं उतना अच्छा रहता है। तो मैंने थर्ड ईयर के बाद उन एक्टिविटीज को थोड़ा कम करके अपनी सेल्फ स्टडी को थोड़ा और ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया था। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जजमेंट्स हैं, उनको फॉलो अप करना स्टार्ट कर दिया था। सो दैट आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल जीरो व्हेन आई एम यू नो स्टार्टिंग माई कोचिंग और स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन फॉर द एग्जैक्ट एग्जाम। सो दैट इज हाउ आई डिड इट इन कॉलेज। सही है, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो चलिए। एब्सोल्युटली हाँ, तो जैसे जब आप ग्रेजुएट हुए तो मुझे अच्छे से याद है 2020 में कोविड चल रहा था, उसी एंड टाइम पे क्या हुआ कि हम लोगों को बोला गया कि आप अपने घर लौट जाइए। फिर घर लौटने के बाद जैसे कि आपने सेल्फ स्टडी भी की, कुछ आपने कहीं गाइडेंस भी लिया, तो अक्सर बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर क्या हम सिविल जज का एग्जामिनेशन बगैर कोचिंग के क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। So what are your views on this point? ओके, सो इसमें बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है। आई थिंक अगर आपने कॉन्सेप्ट्स कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपने सारे मेजर लॉज है उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर अच्छी है और आपका काम सिर्फ बेरेक में लर्न करना है उसको, तो आई थिंक सेल्फ स्टडी मे डू।
बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक बिकॉज प्रेपरेशन जो होती है वो 2 साल 2.5 साल भी कभी कभी चल जाती है. सो ऑन अ पर्सनल फ्रंट आई बिलीव कोचिंग से आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, एक रोड मैप आपको मिल जाता है कि कब आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छे से प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक एक गाइडिंग लाइट मिल जाती है कोचिंग से. सो आई थिंक पर्सनली आई बिलीव कोचिंग काफी हेल्पफुल रहती है इसमें. एंड आपको क्या लगता है कि जो कैंडिडेट्स हैं, यदि वो कॉलेज में है तो क्या उन्हें कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या और कौन से ईयर सबसे बेस्ट ईयर होता है कि जहां से हमको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ना एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया जाए? ओके, सो जुडिशरी का सिलेबस ऑल दो इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बट इट इज मैसिव, काफी ज्यादा है. मेजर समंदर लॉज है हैं, वो तो माइनर अपने आप लॉज में। हैं, बिल्कुल लैंग्वेज पेपर्स भी हैं. तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा सिलेबस है तो टाइम उसके अकॉर्डिंग हमें लग जाता है, मोर देन अ ईयर प्रेपरेशन में लग जाता है. तो अगर कॉलेज में हम हैं तो 4th ईयर ऑनवर्ड्स इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड इफ यू आर टेकिंग कोचिंग तो आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है, तो आप कोचिंग साथ साथ में ले सकते हैं अपने कॉलेज टाइम के. सो आई थिंक 4th ईयर ऑनवर्ड्स और बट इट्स नेवर टू लेट, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अफ्रेश. ग्रेजुएशन के बाद में भी काफी लोग करते हैं. मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था बिकॉज 1 साल बीच में एग्जाम नहीं हुआ था. तो आई थिंक 4th ईयर ऑनवर्ड्स आई बिलीव इज अ सेफ टाइम टू स्टार्ट. तो जैसे 4th ईयर ऑनवर्ड्स यू सेट की एक सही समय होता है, हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो जैसे जो लोग अक्सर ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपकी क्योंकि जो जर्नी रही वो तो कॉलेज में रही रही, फिर कोविड के टाइम पर भी आपने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखा, तो अक्सर क्या होता है कि वैकेंसीज नहीं आ रही होती हैं। वैकेंसीज अगर पेंडिंग है नहीं आ रही है, एग्जाम काफी डिलेड है। वैसे राजस्थान में ये देखा जाता है कि यूजुअली ईयर टू ईयर हो जाता है, साल में एक बार पेपर हो जाता है, लेकिन वो भी एक फेज ऐसा होता है कि वहां पे आपके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एक कैंडिडेट के लिए इतने लॉन्ग रन तक किसी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहना। तो मेरे आपसे इसमें दो सवाल है पल्लवी। पहला सवाल ये कि आपने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन के साथ कोप अप किया जब ये कोविड का फ्रस्ट्रेशन का पीरियड चल रहा था, फिर प्रीलिम्स की डेट आई, प्रीलिम्स तक आप पढ़े, प्रीलिम्स के बाद मेंस तक जो आपकी जर्नी रही, कहा जाए कि मेंस की जर्नी में भी आप मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे थे, उसके पहले आपका क्या पीरियड रहा, किस तरह से आपने डील किया अपनी स्टडीज को, देन मेंस के बाद रिजल्ट का जो पीरियड होता है वो काफी एंग्जियस पीरियड होता है, काफी ज्यादा एंजाइटी रहती है इस कैंडिडेट के बीच में, तो वो पीरियड को कैसे आपने हैंडल किया, प्लीज आप बताइए स्टूडेंट्स को, क्योंकि काफी एंजाइटी रहती है इस पूरे एग्जामिनेशन की जर्नी में, तो प्लीज। दैट्स ट्रू, डाउट्स एंड डिस्पेयर्स आते रहते हैं पूरी प्रेपरेशन में. 2 साल का टाइम है, एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड डे फॉर यू टू स्टार्ट अफ्रेश. आप मोटिवेटेड पूरा टाइम कोई भी नहीं रह सकता है, इवन टॉपर्स गो थ्रू ऑल ऑफ दैट. तो उसमें मुझे ये लगता है कि इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि अगर वेकेंसीज नहीं आ रही हैं, अगर एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है, अगर आपका एक स्टेट नहीं निकला है, दूसरे स्टेट में आप बैठ रहे हो, तो इट्स ओके. डोंट लेट थिंग्स शो यू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बेसिकली, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं. और ऐसा नहीं है द हार्ड वर्क इज नॉट गोइंग डाउन द ड्रेन, आपको रिजल्ट उसका मिलेगा सूनर और लेटर. सो एंड सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन, आई बिलीव मेरी मेंस में प्री में मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैं स्टार्टिंग से अपना प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चल रही थी. मेरी जो प्रिपरेशन बेसिकली वॉज अबाउट मेंस ओनली. मैं स्टार्टिंग से, अगर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उनको मेंस पर्सपेक्टिव से ही देख के उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करती थी. लेकिन प्री का जैसे ही एग्जाम आया तो उसमें राइट बिफोर अ मंथ बिफोर एग्जाम आई शिफ्टेड कम्प्लीटली टू क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग एंड बेयर एक्ट एंड देन रिवाइजिंग अगेन. सो प्री एज एवरीवन नोज इज एंटायरली बेयर एक्ट बेस्ड. सो आई मेड इट अ पॉइंट दैट आई एम प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 300-400 क्वेश्चंस अ डे एंड यू नो गोइंग बैक टू व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज रॉन्ग एंड देन गोइंग बैक टू द बेयर एक्ट, कहाँ पे गलती रही है. तो ये साइकिल जो है ये मैंने रिपीट किया था अराउंड 1 मंथ तक. प्री के जस्ट पहले मैंने कोचिंग ली थी, मैंने क्लासेस भी अटेंड की थी, लेकिन मैंने एग्जाम के जस्ट पहले क्लासेस को बंद कर दिया था बिकॉज आई न्यू सेल्फ स्टडी उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना, आई थिंक दैट इज ऑल. प्री डिमांड्स जस्ट दैट. पल्लवी, प्री में जो कैंडिडेट्स हैं आरजेएस टारगेट करते हैं, उन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की भी होती है। इंग्लिश हिंदी का 30 मार्क का वेटेज होता है,
तो आपने वो सब्जेक्ट्स को किस तरह से अप्रोच किया? क्योंकि 70 मार्क्स के लॉ क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली लॉ सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन लैंग्वेज में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि संधि समास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी इन क्वेश्चंस को लेके क्या स्ट्रैटेजी रही? सिंस 70 मार्क्स हिंदी लॉ पेपर है, 15 हिंदी एंड 15 इंग्लिश, तो हिंदी में मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग बोल बहुत अच्छी लेते हैं हिंदी, लेकिन जब ग्रामर की बात आती है, जब लिखने की बात आती है, तो हमें वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट जो है प्री के लिए, मैंने अराउंड 14-15 डेज तक मैंने हिंदी को फुल टाइम दिया था। उसमें सिंस क्लास 10th से हमारा हिंदी से टच छूट चुका है, तो हमें जो कॉन्सेप्ट जैसे आपने बताया संधि समास इन सब की इन डेप्थ अभी नॉलेज नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट्स मुझे बुक से पढ़ने में काफी डिफिकल्ट लग रहे थे, तो इनमें मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी। इनमें मैंने कॉन्सेप्ट्स को, यूट्यूब के कुछ टीचर्स हैं जहाँ पे काफी सारी मल्टीपल सोर्सेस से मैंने देखा, मैंने कॉन्सेप्ट्स को समझा, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो मैंने बुक से की थी। राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स आती हैं, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कुछ ऑथर्स हैं अच्छे हैं जिनकी बुक्स हैं प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने वो किया था। एंड इंग्लिश में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ग्रामर वोकैब इन सब चीज़ों से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश मीडियम थ्रू आउट। तो इंग्लिश में मुझे लगता है कि आई थिंक प्रैक्टिस इज इनफ फॉर दैट। आप कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए जो लोग हिंदी इंग्लिश के लिए तैयारी करने के लिए मतलब सर्च करते रहते हैं, क्वेरीज आती हैं, तो आप कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे? आई थिंक इंग्लिश में इफ यू स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट्स, अगर कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो रेनन मार्टिन इज अ गुड ऑप्शन, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए काफी सारी बुक्स हैं, देर इज एनके अग्रवाल, देर इज रेनन मार्टिन, ऑल ऑफ दीज बुक्स। एंड हिंदी में मैंने राघव प्रकाश एक बुक है, उसको मैंने काफी फॉलो किया है अपनी प्रेपरेशन में। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया कि मैंने यूट्यूब से समझे हैं, जैसे संधि है समास है, इन सब की मैंने यूट्यूब वीडियो से, बिकॉज एज अ टीचर कोई अगर आपको समझाता है तो वो आपको ईजी लगता है, तो ये चीजें मैंने यूट्यूब से फॉलो की है। और प्रैक्टिस के लिए इज राघव प्रकाश, दैट्स इट। तो फिर उसके बाद जैसे एक बार प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया आपका, तो आपको पेपर देने के बाद तो ये जरूर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि यार पेपर एटलीस्ट क्लियर कर रही हैं आप। तो जिस दिन प्रीलिम्स देके आई, फिर उसके बाद से आपकी क्या जर्नी रही मेंस एग्जामिनेशन को लेके? प्रीलिम्स देने के बाद में आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि आंसर कीज आ जाती हैं तो हम मैच कर लेते हैं, तो मुझे था काफी श्योर था कि हाँ हो जाएगा प्रीलिम्स। सो मैंने उस टाइम पे और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने इमिडिएटली मेंस की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन मेंस की प्रेपरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने काफी ज्यादा अराउंड 10-15 डेज मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया था। आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ द पेपर्स फ्रॉम 2001 टू 2019, और उनमें मैंने सब्जेक्ट्स में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने उनको एक लिस्ट बना के उसको मैंने अपने पास रख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, टीपीए में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीआरपीसी में इस तरह पूछ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो हमें कॉन्सेप्ट्स ये पता लग जाता है कि ये पार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सेकेंडली हमें ये पता लग जाता है अगर कोई चेंजिंग ट्रेंड है एग्जाम के अंदर तो हम उसको इजिली ट्रेस कर पाते हैं। तो एज यू सेड, राजस्थान इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम फॉर मल्टीपल रीजंस, क्योंकि वहाँ पे अनलाइक दिल्ली हरियाणा पंजाब आपको बैरक्स नहीं देते हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर यू नो द प्रोविजंस। सेकेंडली उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सारे क्वेश्चंस थियोरिटिकल नहीं होने वाले हैं। थर्डली आपको केस लॉज भी करने हैं, तो इस तरह मैंने उस पैटर्न को एनालाइज किया था। एंड देयर इज आई थिंक ओवरवेलमिंग फोकस ऑन केस लॉज दीज ईयर्स, जो राजस्थान में पहले क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं पूछते थे दैट साइट केस लॉज, बट इस साल काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें स्पेसिफिकली दे आर आस्किंग यू टू यू नो साइट रेलेवेंट केस लॉज और सपोर्ट विद केस लॉज, क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ था स्पेसिफिकली। तो इन सब चीजों को मैंने पहले एनालाइज किया था अपनी प्रेपरेशन को फुल फ्लेज्ड मेंस के लिए स्टार्ट करने से पहले। तो पल्लवी, एक और चीज देखी जाती है राजस्थान के मेंस के पेपर में, स्पेस लिमिटेड होता है, स्पेस ऑलरेडी वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप प्लीज कैंडिडेट्स को बताइए कि किस तरीके से हमको ब्रीफ करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल यदि क्वेश्चन आ गया कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के डिफरेंस के ऊपर इस तरह का, तो कुछ स्टेट्स की ये अप्रोच रहती है कि वो लोग बेयर एक्ट जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सके उतना ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमपी की स्टेट में ये अप्रोच एक हिसाब से चल भी जाती है क्योंकि स्पेस लिमिटेड नहीं है। लेकिन अगर हम खासकर राजस्थान की बात करें तो काफी लिमिटेड 20 से 25 लाइन सपोज शायद 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए रहती है ऐसे, तो
तो आप ये बताइए कि किस तरीके से एक कैंडिडेट को अपने नोट्स को बनाना चाहिए अगर वो राजस्थान को अकेला टारगेट कर रहा है। सो एज यू सेड, जो आंसर शीट होती है वो एक बुकलेट फॉर्म में आती है, इट इज अ सील्ड कॉपी. उसमें आपको 2 मार्क्स के लिए यू हैव लेट्स से 6 लाइंस, 3 मार्क्स के लिए यू हैव 10-12 लाइंस, इस तरह स्पेस लिमिटेड है. तो उसमें कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इन डेप्थ हम पढ़ लेते हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है माइंड में, बट टू पुट इट डाउन इन 6 लाइंस और 10 लाइंस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो उसके अंदर मैंने कभी यही कभी तो किया था, इतना बड़ा मैंने जब प्रोविजन ही इतना बड़ा होता है कि आप उसको 3-4 लाइन में उसको नहीं उतार सकते। तो उसमें आपको क्वेश्चंस की डिमांड को देखना है कि क्वेश्चंस में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, क्योंकि क्वेश्चंस भी फिर उस अकॉर्डिंग ही होगा कि उसका आंसर आप 6 लाइंस में लिख सकें. तो मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे वो मैंने इसी तरह बनाए थे कि मैं जब उनको फॉलो करती थी, रिवाइज करती थी, तो आई न्यू फ्रॉम स्टार्ट कि अगर 4 मार्क्स में ये चीज पूछते हैं तो मैं सिर्फ इतना सा लिखूंगी, अगर 6 मार्क्स में पूछते हैं तो मैं साथ में ये केस भी लिख सकती हूँ, इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा और ब्रॉड में कर सकती हूँ. तो आई थिंक उसकी प्रेपरेशन हम एग्जाम में बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अब हम उसमें से कौन सा पार्ट फिल्टर आउट करें. आई थिंक वो जब हम तैयारी करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो हम उसी टाइम पे मुझे लगता है कि ये डिसाइड करना बेटर रहता है कि अगर 2 मार्क्स में पूछते हैं तो मुझे ये लिखना है, 3 मार्क्स में पूछते हैं तो मुझे इतना लिखना है, या 4 मार्क्स में आता है तो मैं इसके साथ ये भी लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट वेरी अर्ली. तो एक चीज तो हम इन्फर कर ही सकते हैं कि राजस्थान ने थोड़ा पैटर्न में शिफ्ट किया है। वो लोग पहले केस लॉस के ऊपर उतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब केस लॉस के ऊपर फोकस करना चालू कर दिए। तो पल्लवी, राइट. ये आप थोड़ा ये बताइए कि राजस्थान का जो मेंस होता है वो कितने फेजेस में होता है, कितने पेपर्स में होता है बेसिकली, और हर पेपर का कैसा क्या वेटेज है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए मेंस के लिए। ओके, सो राजस्थान मेंस इज 100 मार्क्स पेपर फॉर सिविल लॉ, 100 मार्क पेपर फॉर क्रिमिनल लॉ, 50 मार्क्स फॉर हिंदी ऐसे राइटिंग एंड 50 मार्क्स फॉर इंग्लिश ऐसे राइटिंग. सो पेपर्स हमारे यूजुअली लॉ पेपर विद 1 लैंग्वेज पेपर एक दिन में होते हैं, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, एंड ऑन द नेक्स्ट डे यू गेट अनदर लॉ पेपर एंड द लैंग्वेज पेपर. सो उसमें प्रॉब्लम यूजुअली क्या आती है कि उसमें हम सारा सिलेबस जो है वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं. जस्ट अ नाइट बिफोर इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 10-12 मेंटली भी लेजिस्लेशन. काफी एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, फिजिकली भी एग्जैक्टली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। या सो वो प्रॉब्लम वहां पे आती है. तो मुझे लगता है कि उसमें मैंने जैसे कोचिंग पे जिस तरह से हमें बताया था, आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद द टीचर्स, तो उन्होंने मुझे ये चीज पहले से बताई थी कि आप अपने जो नोट्स है, अपना जो काफी बल्की पोर्शन होता है, उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना. सो मैंने 3 रीडिंग्स, 4 रीडिंग्स जब सीपीसी, सीआरपीसी बड़े सब्जेक्ट्स को दे दी थी, तो आई कंसाइज डाउन माई मटीरियल इन लाइक 50-60 पेजेस ओनली. तो मेरा पूरा सीपीसी वॉज विद इन 50 पेजेस, पूरा सीआरपीसी वॉज विद इन 50 पेजेस. तो इस तरह मैंने अपने मटेरियल को कंसाइज करना स्टार्ट किया जैसे ही मेंस पास आ रहा था. तो क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जब होगा, मल्टीपल सोर्सेज होंगे, तो यू नो ट्रैवलिंग इन इन टू मेनी बोर्ड इज नेवर अ गुड आइडिया. हाँ सो वहां पे हमें रिविजन को मैक्सिमाइज करना है, मटेरियल को जितना कंसाइज हो सके करना है. काफी सारे छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं, माइनर एक्ट्स हैं, उनमें मैंने बेर एक्ट किया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, बेर एक्ट. एंड अगर कोई लेटेस्ट केसेस आ रहे हैं तो सिर्फ वो. मैंने अपने सोर्सेस को बिल्कुल कंसाइज रखा, तो आई थिंक उसकी वजह से रिविजन जो था वो मेरा एग्जाम से पहले हो पाया था. बट अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अगर 800 पेजेस के नोट्स हैं तो आप जस्ट अ नाइट बिफोर आप नहीं कर पाओगे. तो ये सही चीज पहले से, अगर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और ये सब चीजें हैं, तो वो पहले से करनी पड़ती है. तो इससे हमको एक चीज और समझ में आई कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं यूजुअली, जब अपनी पहली ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जब पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, तभी से नोट मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इफ आई कैन से कि अगर हमें नोट्स बनाना है तो एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग आपकी तैयार होनी चाहिए, जहां से आपको आइडिया लग जाता है किस किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, किस पोर्शन के ऊपर आपको कितना ज्यादा फोकस करना है, साथ साथ आपको कितना कंटेंट उसका तैयार करके रखना है, सो दैट 10 to 15 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन आप उस पोर्शन को रिवाइज कर सके। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. एक बार रीडिंग करके हमें लगता है कि सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, तो हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो एग्जैक्ट उस चीज को रिप्रोड्यूस कर देते हैं, बट दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. उसको आप 2-3 रीडिंग्स दो, थोड़े पास्ट ईयर पेपर्स देखो कि इस पोर्शन में से कौन सा पोर्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो मैंने 3-4 रीडिंग्स के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिसमें आई ट्राइड कि जो 100% पोर्शन है उसका मैं 25 पोर्शन, उसको 1/4 कर दूं एटलीस्ट.
तो हर कॉन्सेप्ट पे मैंने यही किया था। अगर मैं कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर को मैंने अगर 30 पेजेस में पढ़ा है, तो मेरी कोशिश रहती थी कि उसको मैं 6-7 पेजेस में बस कंसाइज कर दूं, दैट्स इट। तो यही मैंने सारे सब्जेक्ट्स में फॉलो किया है। तो पल्लवी, जैसे आपने बताया कि मेंस में भी लैंग्वेज पेपर होता है, तो मेंस में लैंग्वेज पेपर किस तरह से डिफरेंट है, आपको किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, थोड़ा बताइए प्लीज। मेंस में लैंग्वेज पेपर में देर आर 3 एसेज यूजुअली। वहां पे लीगल एसे, सोशल एसे एंड राजस्थान बेस्ड 1 लोकल एसे आता है। बट इस बार ये पैटर्न देखा था कि इस बार राजस्थान ने लोकल, राजस्थान टूरिज्म, राजस्थान आर्किटेक्चरल हेरिटेज, ये सब टॉपिक्स पहले पूछते थे, बट इस बार राजस्थान पे कोई ऐसे ही नहीं आया था। तो ऐसे के अंदर आई थिंक यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। हम हर साल सोचते हैं कि हम 10-15 टॉपिक्स तैयार करके रखें, इनमें से शायद कोई आ सकता है, विच इज अ गुड प्रैक्टिस, बट डू नॉट रिलाई ओनली ऑन दैट। क्योंकि ऐसेज में आपको, मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो, एडिटोरियल्स आप रेगुलरली पढ़ते हो, तो यू हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल टू राइट अबाउट। तो इंग्लिश पेपर में जैसे मैं बात करूँ, तो हमारे एसेज में देर आर ऑलवेज चॉइसेस, आप 2 या 3 ऑप्शंस में से चूज करते हो, तो यू ऑलवेज हैव द लिबर्टी। बट उसके अंदर क्या होता है कि मैंने जिस तरह प्रिपेयर किया था, मैंने काफी सारे टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करके रख लिया था। कुछ स्टैटिक पोर्शंस होते हैं जैसे पॉवर्टी, विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर डायरेक्टली नहीं भी पूछे हैं तो उनका मटेरियल हम कहीं और यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखे थे। मैंने अराउंड 50-60 टॉपिक्स इंग्लिश एंड 50-60 टॉपिक्स इन हिंदी मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे थे। एंड सेफली उनमें से 2 to 3 essays आई थिंक आई फाउंड इन द पेपर। सो वहां पे काफी हेल्प मिल जाती है। तो बेसिकली कैंडिडेट्स को एक एंटिसिपेटेड टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए प्रिपरेशन करते समय, फिर अपने एक या तो आप सिनॉप्सिस बना के रख सकते हैं जिससे कि आप एग्जाम के पहले एक बार गो थ्रू कर सके उस सिनॉप्सिस से, तो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में तैयार रहता है, तो वहां पे आप रिफ्लेक्ट इजिली कर सकते हैं ऐसे के पेपर में। तो चलिए, राइट फिर एक बार जो ये मेंस का पेपर आपका खत्म हुआ, तो अब रिजल्ट तो खैर राजस्थान में जल्दी ही आ जाता है, काफी एंजाइटी रही होगी आपको भी रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में अपन को आइडिया लग जाता है बेसिकली कि यार अपन ने इतने करेक्ट है इतने रॉन्ग है, तो हाँ आइडिया रहता है कि हाँ वी आर गोइंग टू मेक थ्रू दिस, लेकिन मेंस में वो एंजाइटी रही होगी क्या हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मेंस का पेपर देके आने के बाद एक थोड़ा चिल पीरियड निकालते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, चिलैक्स जिसे हम कहते हैं, तो आपने उस पीरियड में क्या किया, क्या वापस से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी, पढ़ना स्टार्ट कर दी थी, या फिर आप थोड़ा रेस्ट पीरियड ली थी, एक थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड? नहीं, एक्चुअली मेंस का एग्जाम देने के बाद में आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैंने पेपर अच्छा अटेम्प्ट किया है। आई डोंट नो हाउ द रिजल्ट इज गोइंग टू बी, बट आई थिंक वो बस एक टाइम होता है जिसमें आप और कुछ कर भी नहीं पाते हो, ऑल दैट यू कैन डू इज प्रे। तो बस मैंने पूरा टाइम यही सोचा था कि आई कैप फेथ, आई थॉट कि हाँ हो जाएगा, आई हैव डन द पेपर वेल। और मेरा कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जो मैंने बहुत टेरिबल परफॉर्म किया या किसी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने मेरे सारे पेपर्स परफॉर्मेंस वाइज एंड एज रिफ्लेक्टेड इन माय स्कोर्स आल्सो, आई हैड अ सेफ स्कोर हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। लॉ पेपर 1 एंड लॉ पेपर 2 सब में यही था। तो मैंने उस टाइम पे ऑनेस्टली कोई पढ़ाई नहीं की थी। उस टाइम पे एज यू सेड, एंग्जाइटी थोड़ी होती है सबको कि शायद होगा शायद नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो अगेन फ्रॉम वी जीरो हमें ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट करना मैनिफेस्ट दी होगा। पॉजिटिव आउटकम, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं यस एट दी बैक ऑफ योर हेड चलता रहता है कि नहीं यार अगर नहीं हुआ तो आगे क्या करना है। तो मेरा राइट यही आपसे पूछना है कि क्या आप एडवाइस करेंगी, जैसे एमपी का अगर हम स्टेट लेते हैं, एमपी में एक बार मेन एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद 2 से 3 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में, इनफैक्ट ज्यादा भी, तो कैंडिडेट्स को शायद से प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान कंपैरेटिवली इस चीज में काफी कहा जाए कि हाँ टाइम पर रिजल्ट डिक्लेयर करता है, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है राजस्थान में, एमपी में थोड़ा रहता है। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करते रहना चाहिए, या फिर हाँ दूसरी चीज एक प्रिपरेशन की एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि क्या हमें एक से ज्यादा स्टेट्स टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि हम मेंस का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, अब जो भी आउटकम हो अब उसके लिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आनी है इसका कोई आइडिया तो रहता नहीं है, तो क्या हमें और भी स्टेट्स को टारगेट करते रहना चाहिए, और अगर करना है तो हमें मैक्सिमम कितनी स्टेट्स को अपने टारगेट में रखना चाहिए? ओके, सो आई विल आंसर योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। हमारे काफी सारे, इफ यू सी नॉर्दर्न इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उनका सिलेबस काफी ओवरलैपिंग है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर स्टेट्स,
बट जैसे राजस्थान एंड एमपी का काफी सिलेबस ओवरलैपिंग है, एंड सिमिलरली काफी सारे स्टेट्स में हमारी मेजर लॉज फिक्स रहती हैं, देर आर ओनली अ माइनर फ्यू सब्जेक्ट्स जो कि डिफरेंट होते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी सेफ कि आप मोर देन वन स्टेट को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रेपरेशन को जैसे मैं बता रही थी कि स्टार्टिंग से ही मेंस ओरिएंटेड रखना, और जैसे ही एग्जाम की वैकेंसी आती है आई थिंक उसमें आपको शिफ्ट करने करना इज नॉट अ बैड आइडिया. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर नेक्स्ट मंथ एमपी का एग्जाम आ रहा है तो आप 1 महीना उसमें दे सकते हो एमपी के एग्जाम को, उसको एनालाइज करने में, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने में. देन अगेन नहीं होता है तो इट्स ओके, यू कैन सिट फॉर अनदर स्टेट एंड उसका एग्जाम आता है तो आप उनकी माइनर लॉज पे राइट अ मंथ बिफोर एग्जाम आप फोकस कर सकते हो. तो बट आई थिंक बहुत सारे स्टेट्स को एक साथ अगर आप टारगेट करोगे तो आपका सिलेबस उतना ज्यादा बल्की होता जाएगा और उनको उन चीजों को याद रखना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा. तो आई थिंक 3 to 4 states इज अ गुड आइडिया. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप टारगेट कर सकते हो 3 to 4 states को. एंड एज यू आस्क्ड द अदर क्वेश्चन, मेंस के बाद में मुझे लगता है कि यू कैन नेवर बी पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट योर रिजल्ट. आप बस उसमें एग्जाम देने के बाद में यू गेट ऑल ब्लैंक. तो आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दें. मुझे लगता है कि अगर आप छोड़ दोगे तो फिर यू विल हैव टू स्टार्ट अफ्रेश इफ द रिजल्ट कम्स नेगेटिव और पॉजिटिव व्हाटएवर, क्योंकि उसमें फिर बिल्कुल स्टार्ट से उसको याद करना, उन चीजों को फिर से पढ़ना, उन सारे केस लॉज को पढ़ना, वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है. तो आई रिपीट थिंक करने वाला फेज आ जाता है बेसिकली। एग्जैक्टली, हाँ सो आई थिंक यू शुड नॉट ब्रेक द कंसिस्टेंसी. मोनोटोनस बनाना कोई जरूरी नहीं है पढ़ाई को कि आप सेम उसी फ्लो से पढ़ें या उतने ही आवर्स पढ़ें, बट आई थिंक यू शुड नॉट लूज टच विद द कॉन्सेप्ट. अगर जैसे लाइव लॉ भी अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो उसमें जजमेंट्स पढ़ते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाते हैं. तो आई थिंक वो बिल्कुल चिलैक्स टाइम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई में फिर से भी नहीं जाना है कि अगेन 10-12 hours ऑफ स्टडी हो, वो भी कोई जरूरी नहीं है. देर हैज टू बी अ वेरी डेलिकेट बैलेंसिंग आई थिंक. पल्लवी, जब आर्स की बात आ गई है तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपका कितने स्टडी आर्स रहते थे, मतलब आप कितना टाइम देती थी आउट ऑफ दीज 24 आवर्स। तो वो प्लीज बताइए कि क्या होता है, कैंडिडेट्स या तो ओवरबर्डन फील करने लगते हैं और 18-18, 16-16 घंटे भी पढ़ने लगते हैं। कभी ऐसा फेज आता है कि हो सकता है एक दिन कभी बिल्कुल ही पढ़ाई ना हो, तो उस चीज को कैसे टैकल करना है प्लीज बताइए। आई कांट से मेरा कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स था ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ यू नो ट्रायल एंड एरर दैट गोज इन द प्रोसेस. तो मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने स्टार्ट किया है, जब हम प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो नेचुरली हम सब बहुत ओवर एम्बिशियस होते हैं. तो मैंने भी 10-12 hours ऑफ स्टडी उस टाइम पे दिया है, बट वो 2 महीने से ज्यादा नहीं चलता है. और उसमें मुझे लगता है कि उसके बाद हम रियलाइज करना स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें 1 साल 1.5 साल प्रिपरेशन चलनी है, एग्जाम का प्रोसेस भी इतना लंबा है, तो उसमें यू हैव टू यू नो डू द बैलेंसिंग कि आप राइट अमाउंट ऑफ आवर्स आप सो भी रहे हैं, राइट अमाउंट ऑफ आवर्स आप पढ़ भी रहे हैं, राइट अमाउंट ऑफ आवर्स आप हेल्थ पे भी दे रहे हैं. तो मुझे लगता है कि फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ माई प्रेपरेशन आई वॉज डूइंग 7 to 8 hours ऑफ स्टडी, दैट्स इट. बट आवर्स आई थिंक इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटेटिव स्टडी इज इम्पॉर्टेंट. आप सिलेबस का कितना पोर्शन आप कवर कर रहे हो एंड कितना पोर्शन बाकी है, उसको बार बार मैंने चेक किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने नंबर ऑफ आवर्स को चेंज किया था. बट इफ आई से एग्जाम के जस्ट पहले जो टाइम होता है, जैसे प्री के जस्ट पहले टाइम है, उसमें द एंटायर रूटीन इज ऑल अबाउट यू नो रिवाइजिंग बेर एक्ट्स एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन अगेन, रिवाइजिंग बेर एक्ट्स अगेन, गोइंग बैक टू क्वेश्चन. तो उसमें हो जाता था, आई कैन सेफली से 12-13 hours हो जाता था वेरी नॉर्मली. बट माई फोकस ऑलवेज ऑन वॉज ऑन कि कितना सिलेबस मैंने अच्छे से कवर कर लिया और कितना बाकी है. तो कितना आप क्वालिटेटिव स्टडी कंसिस्टेंट रही मैटर्स. हैं, मतलब वही कि आप यस कितना राइट सिलेबस कवर करते जा रहे हैं कितना कंसिस्टेंटली, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ब्रेक आता है तो क्या होता है, हम ये पता रहता है प्रोविजन नंबर क्या है, लेकिन वो प्रोविजन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है वो हम कभी कभी स्किप कर जाते हैं। तो हाँ ये सही है कि 7 से 8 घंटे आप पढ़ सकते हैं डेली दे सकते हैं, और जैसे जैसे आपके स्केड्यूल की जो रिक्वायरमेंट है, आपके सब्जेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है, आप उनके अनुरूप अपने शेड्यूल को बना सकते हैं। तो चलिए फिर, एक बार जब मेंस का रिजल्ट आ चुका था, फिर आपने इंटरव्यू के प्रति कैसे अप्रोच किया, आपके इंटरव्यू को लेके क्या स्ट्रैटेजी रही? मेंस के बाद में जब इंटरव्यू फेज था तो उसमें सिंस हम मेंस दे के आ चुके हैं, मेंस क्लियर हो चुका है, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स तो हैं स्ट्रॉन्ग, हमें वेरेक्ट के प्रोविजन सब याद हैं.
तो ये कॉन्फिडेंस तो आ जाता है। तो इंटरव्यू में मुझे लगता है कि जो पार्ट फिर मेरा रहता था वो था कि मुझे रीसेंट केस लॉज के साथ काफी कैचअप करना था। तो मैंने लास्ट 4-5 ईयर्स में जितने भी लैंडमार्क केसेस आए हैं मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई थी, देन मैंने सब्जेक्ट वाइज उनको टारगेट किया था, उनको पूरा कंप्लीट मैंने पढ़ा था। और मैंने जो लास्ट 1 ईयर में लाइव लॉ के अंदर जैसे मंथली डाइजेस्ट आते हैं, फिर ईयरली डाइजेस्ट आते हैं, हाफ ईयरली डाइजेस्ट आते हैं, मैंने ये सब फॉलो किया था। तो इन सबको रिवाइज करते, इन सबको जजमेंट्स को पढ़ते पढ़ते मेरे कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गए थे। और मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, अगर आई मीन कैंडिडेट्स अगर ले रहे हैं कोचिंग तो वहाँ पे आई एम श्योर डेफिनेटली कि मॉक इंटरव्यूज तो होते हैं। तो एक दो बार उनकी प्रैक्टिस करने से आई थिंक इंटरव्यू के लिए हम सेफ होते हैं। अल्टीमेटली आप जो अपना मॉक इंटरव्यू देते हैं, फाइनली वही चीज, मोस्ट ऑफ दी थिंग्स आप वही रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरव्यू रूम के अंदर। तो आपका कैसा रहा इंटरव्यू, मतलब आपका इंटरव्यू पैनल, कितने लोग बैठे थे, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, प्लीज बताइए। सो मेरा इंटरव्यू वाज इन अगस्त 2022 जोधपुर में ही हुआ था। एंड वहाँ पे वी गॉट अ पैनल ऑफ 3 मेंबर्स, देयर वर 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस एंड वन वाज एक्सपर्ट, आई बिलीव कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, बट मैं जानती नहीं हूँ कि कोई भी नहीं जानता है उनको। सो मेरा इंटरव्यू लास्टेड फॉर अबाउट 25 मिनट्स, विच इज स्लाइटली मोर देन यूजुअल, लेकिन इट स्टार्टेड विद माई यू नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि वहाँ थोड़ा पे उनके कंफर्टेबल पास एक करते हैं वो इनिशियली कि यस राइट उनके पास एक लिस्ट होती है जिसमें आपका 10th में आपने क्या स्कोर किया है, 12th में क्या किया है, कॉलेज में क्या है, एक बेसिकली आपका ओवरऑल बायोडाटा जो होता है वो उनके पास होता है। सो इट स्टार्टेड विद दैट एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन माय इंटरव्यू बिकॉज द हेड मेंबर जो बैठे थे उन्होंने देखते ही मुझे बोला था दैट यू हैव अ ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड। तो दैट मेड मी स्माइल एंड दैट मेड मी कंफर्टेबल इन लाइक सेकेंड्स। एंड उसके बाद में मेरा कंप्लीटली लॉ बेस्ड इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। इंटरव्यू में देर वॉज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, आई कैन से फॉर माई सेल्फ, बाकी कैंडिडेट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे। बट सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सब कुछ पूछा था बेसिकली। आई कैन नॉट सिंपली से कि मेरा बस एक पोर्शन पूछा था या फिर इस पोर्शन से कुछ नहीं पूछा। माइनर लॉज से भी क्वेश्चन आए थे, मेजर लॉज से भी क्वेश्चन आए थे, बट आई मेड श्योर टू यू नो कनेक्ट एवरीथिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं सीआरपीसी का कोई प्रोविजन अगर है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई क्वेश्चन वॉज अबाउट सेक्शन 300 सीआरपीसी। सो जब मैं उसके बारे में बात कर रही थी तो मैंने उसमें कोशिश की थी कि मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक करूं, एंड देन आई सेड कि द ज्यूरिसप्रूडेंशियल एसेंस ऑफ दिस सेक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम यू नो आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दीज आर द डिफरेंसेस। सो आई थिंक दैट गिव्स अ वेरी नाइस इंप्रेशन टू द पैनल मेंबर्स दैट यू नो कि आप सेक्शन का ओरिजिन कहाँ से है, उनका एसेंस कहाँ से है। सो यू आर नॉट यू नो लिमिटिंग योर सेल्फ टू द बेयर एक्ट, यू नो वाई द प्रोविजन इज देयर एंड हाउ द प्रोविजन इज टू बी इंटरप्रिटेड। अब तो उस बेसिकली आपने तरीके ये से कन्वे किया कि जब आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ यू आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करना है। आपको जितनी परफेक्ट नॉलेज है, जितना आप कम शब्दों में अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच रहेगी। फिर जैसा आपने बताया 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चला, तो ये कहा जाए कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वॉज बेस्ड ऑन दी लॉ सब्जेक्ट्स या फिर पर्सनल इंटरव्यू जो आपका अपन कह सकते हैं कि जहाँ से आप हैं वहाँ के क्वेश्चंस वो भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब बेसिकली मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कैंडिडेट्स को किस तरीके से इंटरव्यू को अप्रोच करना चाहिए, अपने सराउंडिंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, एजुकेशन अगर आपने जहाँ से करी है वहाँ के बारे में भी पता होना जरूरी है। वहाँ जैसे आप उड़ीसा से थी, कटक से थी, तो क्या कटक के ऊपर भी क्वेश्चंस रहे आपके इंटरव्यू में? और जैसे मैंने इंटरव्यू के लिए तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे ये सबने सजेस्ट किया था कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, जहाँ जहाँ आप रहे हो, उन सब जगह के बारे में सब कुछ जान लेना है। तो मैंने ये ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था एंड एक ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में आप बना ली होंगी, ये कह यस सकते हैं। राइट। तो अगर उस इवेंट, अगर कोई मेजर इवेंट हो रहा है उस टाइम पे, उस जगह पे जहाँ पे आप रह चुके हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि उसके बारे में आप क्या जानते हो, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। बट मेरे इंटरव्यू में राजस्थान लोकल से क्वेश्चंस पूछे थे, बट वो मेरे एरिया से कन्फाइंड नहीं थे। मेरे क्वेश्चंस जो थे वो काफी ब्रॉड थे, राजस्थान जीके बेस्ड थे, एंड राजस्थान जीके इज एज इट इज वेरी वास्ट, तो आई डेफिनेटली डिड नॉट नो आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस।
लेकिन मैंने दे दिए थे आंसर्स तो एंड इफ सॉरी बोल आई के डिड भी नॉट मतलब चल नो सकता है, काफी लोग कॉन्शियस हो जाते हैं इन राइट बिटवीन इन द मिड ऑफ इंटरव्यू कि अरे यार इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता हमको, तो कॉन्शियसनेस फेस पे दिखने लगती है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट योर इंटरव्यू। बट इस बारे में बताइए कि अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो क्या किया जाए? मेरे इंटरव्यू में थे ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते थे, कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मुझे याद करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था. सो आई वेरी ऑनेस्टली आई सेड सर कैन आई हैव अ फ्यू सेकंड्स टू थिंक अबाउट इट, एंड दे वेरी काइंडली सेड यस श्योर. तो मैंने सोचा उस बारे में और फिर मैंने आंसर किया, तो देर इज नो प्रॉब्लम. बट आई थिंक अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है और उसका गलत आंसर आप देते हो तो दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन, क्योंकि दे नो इन सेकेंड्स इफ यू आर ब्लफिंग और नॉट. तो उसके ऑब्वियसली हाई अंदर कोर्ट मुझे लगता जजेस है है। कि ये डेफिनेटली, तो जिनका मुझे नहीं आता था क्वेश्चन आई मीन आंसर, तो मैंने उनमें बोला कि आई एम सॉरी सर आई डू नॉट नो, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन. उन्होंने उसके बाद में क्वेश्चन को चेंज कर दिया, वो सेम क्वेश्चन को फिर नहीं पूछते आगे आगे. सही। तो चलिए ये पूरे इंटरव्यू की प्रोसेस रही आपकी। आई होप कैंडिडेट्स को बिल्कुल समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है, मेंस स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, एंड देन प्रीलिम्स के पेपर के कुछ दिन पहले हमें मेंस को ड्रॉप करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ना है। देन फाइनली मेंस की तैयारी के बारे में आपने बताया कि कैसे सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है, लैंग्वेज पेपर्स को किस तरह से अप्रोच करना है, एंड देन इंटरव्यू में आपका कंटेंट कितना रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, किस तरीके से आपको लोकल अपनी सराउंडिंग्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आई होप आपके इस जो आपने बताया हमें थ्रू आउट दिस सेशन, उससे कैंडिडेट्स को काफी हेल्प मिलेगी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस पल्लवी फॉर ज्वाइनिंग विद अस एट जुडिशरी गोल्ड, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच. आई विश ऑल द एस्पिरेंट्स द बेस्ट ऑफ लक. थैंक थैंक यू। यू.